रसिया जी की लिट्टी दुकान और ये सबसे पुरानी दुकान है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जगह कौन सी है, ये पटना जंक्शन का रास्ता है। आप देखिए जीपीओ की तरफ से ये रास्ता आया है और यहाँ पटना जंक्शन की जामा मस्जिद है, उसके बगल में महावीर मंदिर है और ये ओवरब्रिज है। उसके ठीक सामने आप देखेंगे कि यहाँ पर चौरसिया जी की पुरानी लिट्टी दुकान है। इस दुकान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आज से 40 साल पहले जो इसका टेस्ट था वही टेस्ट क्वालिटी आज भी बरकरार है। लोग दूर दूर से यहाँ लिट्टी का मज़ा लेने आते हैं और जब स्टेशन या जंक्शन पर खाने की बात होती है तो लोग चौरसिया का नाम ज़रूर लेते हैं। तो राजधानी पटना की लिट्टी जो है वो पहचान भी है, शान भी है, आन भी है। तो लोगों को जब भूख लगती है और जो लिट्टी खाने के शौकीन हैं, लिट्टी खाना चाहते हैं, तो वो ज़रूर चौरसिया जी की पुरानी दुकान पे आते हैं। पुराने लोग कहते हैं कि जो टेस्ट पहले था वही टेस्ट आज भी नए जनरेशन तक कन्वर्ट हो गया है। जो उनके बाप दादा ने शुरू किया था उसी तरह का टेस्ट आज भी, जो चोखा का स्वाद है, लिट्टी की जो खुशबू है, सौंधी सौंधी खुशबू, वो खुशबू आज भी बरकरार है और लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। आइए चल के बात करते हैं दुकानदार से और लोगों से कि इस टेस्ट की वजह क्या है। अच्छा है, बहुत पुरानी दुकान है। हाँ, बहुत पुरानी दुकान है। हाँ, आते थे, इधर बीच में नहीं आ रहे हैं लेकिन आते थे, पहले भी आते थे। लिट्टी खाने आई हैं? हाँ, लिट्टी खाने आए। बहुत टेस्टी है। ये तो पुराना है यार, ये बहुत पुराना है, समझ गए। आज नहीं, हम लोग 83 से 84 से खा रहे हैं। हमें आज तो आए हैं ट्रेनिंग यहाँ पटना स्टेशन पे, इसलिए यहाँ मौका मिला तो हम लोग ग्रुप में आए हैं। बहुत टेस्टी है, पुरानी दुकान है, टेस्टी। हम पहली बार इनके खाने पे आए हैं। अच्छा, ये लेके आए हैं? हाँ, ये लेके आए हैं। अब मैं तो पहले भी खाया है, आज भी खा रहा हूँ, पहले जैसा है। आप तो कह रहे हैं कि आपने ही? हाँ, बहुत दिन पर मैं आ रहा हूँ लेकिन बाहर रहता था 10 साल पहले, मैं ज़्यादातर आया करता था यहाँ। बहुत टेस्टी है, वही टेस्ट खींच लिया। हाँ, पुरानी दुकान है, वो टेस्ट वही है, टेस्ट लेने के लिए चले। थैंक यू। कैसा टेस्ट? हाँ, बहुत टेस्टी है, काफ़ी हेल्दी भी है, अच्छा लगा। हाँ, हेल्दी भी है। आमतौर से बिहार के लोगों का पसंदीदा खाना है लिट्टी चोखा? हम समझते हैं सब जगह के लोगों को खाना चाहिए, सब जगह के लोगों को खाना चाहिए। बढ़िया खाते हैं? हाँ, जब भी इधर से पास बाई करते हैं खाते हैं। नाइस प्लेस, टेस्ट वही है, टेस्ट वही है, हालांकि बहुत पुरानी दुकान। हाँ, टेस्ट से हमको नहीं लगता कि कोई चेंज आया है, काफ़ी बार खाया है। हमारे फ्रेंड है ये, वो स्टूडेंट थे यहाँ पे पटना में पढ़े, तो बोले कि हम लोग हर दिन खाते थे, हर दिन एक दो दिन पे, हर दिन का मतलब। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है यहाँ पे, और स्टाफ भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, स्पेशली जो काउंटर पे बैठे हैं जी। वो काफ़ी उनका मतलब वेलकमिंग जो वे है वो ज़बरदस्त है। अच्छा, बिल्कुल नेचुरल है और देहाती शुद्ध खाना है। मैं पहली बार खाने आया हूँ दोस्तों के कहने पे। बढ़िया भैया, जीने की नहीं, पहला बार आए हैं ये भी। कहा जाता है कि बहुत पुरानी दुकान है, टेस्ट वही है अभी तक। सही है, वही टेस्ट है, मज़ा आता है। मैडम, आप बताइए कैसा लग रहा है टेस्टी का टेस्ट? आप अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन ये टेस्ट बताइए इस दुकान का, सबसे अच्छा लगता है। अच्छा है। हाँ, ठीक टेस्ट है सर। सबसे पुरानी दुकान जी पुरानी है पटना की। हम तो बराबर आते हैं तो खाते हैं, मैडम है तो चले दिखाए कि चले खा लेते हैं वहाँ पर। नाइन्टी फाइव से हम यहाँ जब भी मौका मिलता है आते हैं। 95 से आज हो गया आपका 22 हो गया, जोड़ लीजिए जो 95। हाँ, 95 से मैं यहाँ आता हूँ और जो स्वाद पाए उस मतलब 95 में था वही स्वाद अभी है, उसमें कोई क्वालिटी में कोई आदमी इनमें नहीं देखते। जब भी मौका मिलता है पटना आते हैं, पहले तो यहीं रह के पढ़ते थे और अब तो जॉब करते हैं रेलवे में। जब भी मौका मिलता है, आदमी शुद्ध खाना चाहता है, आँख मुन के चलो लिट्टी चोखा पुराना ढाबा। हम लगभग 20 साल से यहाँ का लिट्टी खा रहे हैं और जब भी मौका मिलता है पटना आते हैं, पटना जंक्शन आते हैं तो यहाँ का लिट्टी जरूर खाते हैं। रेलवे के लोगों को भी बहुत शौक है इसके टेस्ट। हाँ, लोग रेलवे स्टूडेंट लाइफ से लेकर अभी तक, अभी जॉब में आए, रेलवे में आए, अभी ट्रेनिंग आया है 2 दिन का हम लोग के यहाँ पे, तो 2 दिन हम लोग मैंने लिट्टी यहाँ का जरूर खाएँगे। बहुत सारा प्यार और ईमानदारी के साथ अपना प्रोडक्ट बनाना। कस्टमर तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, तारीफ इनका बहुत अच्छा है। तारीफ कस्टमर की है, तारीफ कस्टमर की, हम तो सिर्फ दिल से बना रहे हैं। कितनी पुरानी दुकान? हाँ, दो जगह।
ये आपकी दुकान 1956 से है। 1956 से जी। दादाजी ने शुरू किया था? पिता? हाँ, पिताजी ने शुरू किया था और अब मैं इसे संभाल रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि जो टेस्ट पिताजी के ज़माने में था वही ईमानदाराना टेस्ट आज भी बरकरार है। बस बस यही 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 चाहिए हमको अपने कस्टमर से जी। बस यही सुनना है, यही मेरा अवार्ड है। यहाँ कस्टमर ये बात बोल दिए हैं कि जो पिताजी ने स्टार्ट किया था, जो स्वाद था, वो आज मैं बरकरार रख रहा हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है जो कस्टमर बोले। कितने बजे दुकान खुलती है? 11 बजे स्टार्ट करते हैं और शाम 6-7 बजे तक बढ़ा देते हैं। कितना आटा एक दिन में खर्च हो जाता है? वो कस्टमर के ऊपर है। जैसे अभी आप देख रहे हैं रश काफ़ी है, तो अभी रेलवे का जो चल रहा है अपना, तो रेलवे के सारे अधिकारी लोग आए हुए हैं, तो इस हिसाब से समय समय पे जैसे कस्टमर आते हैं उस हिसाब से फिर। सरकारी कर्मचारी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, यहाँ पर पटना जंक्शन है तो लोग बोलते हैं कि हम लोग यहीं आते हैं, सफाई अच्छी है, व्यवहार अच्छा है और टेस्ट का तो जवाब नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोग आते हैं और हमारे यहाँ लिट्टी का आनंद लेते हैं। पुण्य भी कमा रहे हैं? नहीं, पैसे के साथ साथ उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो कुल मिला के चौरसिया जी की जो सबसे पुरानी लिट्टी की दुकान है उसकी खूबी यही है कि दुकानदार का व्यवहार सबसे अच्छा है। आपने सुना कि जो कस्टमर है खाने वाले, वो लिट्टी का जो स्वाद है, उसका जो इतिहास है, उससे अलग हट करके ये कह रहे हैं कि जो काउंटर पर बैठने वाला शख्स है उसकी जो खूबी है, उसका जो व्यवहार है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। आमतौर से कहा जाता है कि बिजनेस में अगर स्वाद के साथ साथ व्यवहार अच्छा हो तो कस्टमर खींचे चले आते हैं। तो चौरसिया जी की पुरानी लिट्टी दुकान राजधानी की शान बढ़ा रहा है और जो लोग पुराने लोग हैं वो यहाँ आते हैं और सिर्फ टेस्ट जो है इसका, उसी टेस्ट को जानने के लिए, समझने के लिए। और सबने यही बताया कि जो टेस्ट आज से 40-50 साल पहले था वही टेस्ट आज भी बरकरार है। तो अगर आप भी लिट्टी के शौकीन हैं, आप भी अगर खाना चाहते हैं, तो एक बार पटना जंक्शन के इलाके में तो चौरसिया जी की जो लिट्टी दुकान है वहाँ ज़रूर आएँ। इनके जो चोखा है उसकी क्वालिटी अलग है, जो लिट्टी है उसका स्वाद अलग है। तो इस तरह की अपडेट के लिए आप न्यूज़ फॉर्मेशन पर बने रहें, हम आपके लिए इस तरह की अपडेट लाते रहते हैं कहाँ पर राजधानी पटना में कौन सी चीज़ ऐतिहासिक है, कौन सी सबसे पुरानी है और कहाँ सबसे ज़्यादा आपको घूमने में खाने में अच्छा लगेगा। कैमरामैन गौतम कुमार के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ फॉर्मेशन पटना।